उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अगर आरोपों की माने तो एक प्रेमी पहले प्रेमिका को बहला फुसलाकर भगा ले गया, फिर प्रेमी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस संबंध में प्रेमी और उसके पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। बीती 5 मार्च को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की ग्राम नगलाराई निवासी कक्षा 12वीं की छात्रा सीमा उम्र 17 वर्ष पेपर देने गई थी। तभी कस्बा अलीगंज निवासी सुनील उर्फ राजा बाथम छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसा कर ले गया, जिसकी परिजनों ने थाना अलीगंज में 6 मार्च को सुनील उर्फ राजा के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस के साथ साथ छात्रा को परिजनों ने कई जगह तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चला। 8 माह के बाद मैनपुरी के ग्राम जिलई में उसके प्रेमी और प्रेमी के माता पिता और बहन भनोई ने छुटकारा पाने के उद्देश्य से उसे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौत के कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक सीमा की बहन का आरोप है कि उसकी बहन परिजनों से मिलना चाह रही थी, लेकिन इन लोगों ने उसे मिलने नहीं दिया, बाद में जहर देकर उसे मार डाला। वहीं पुलिस ने संबंध में प्रेमी और उसके पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? नगला राई। ये किस थाने में पड़ता है? अलीगंज थाने में। एटा। अच्छा, क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? वो हमारी बहन पढ़ाई कर रही थी, वो 6 मार्च को घर से चली गई थी। वो बहला फुसकाल करके स्कूल से ले गया था। कौन ले गया था? कहाँ का रहने वाला था? वो अलीगंज नगला पढ़ा होगा। क्या वो उसके साथ पढ़ता था? नहीं। फिर कब कितने दिन पहले ले गया था ये? वो जब भी उसका लास्ट एग्जाम था 5 मार्च का जी। तो हाँ, 6 मार्च को चली गई। कौन सी क्लास में पढ़ती थी आप? 12th में। उसके बाद में पता था? कुछ नहीं चला उसका। उसके बाद में पता पड़ा पलवल में मिली थी, लेकिन पलवल में पता जानकारी हुई तो वहाँ से भी वो वहाँ से गायब हो गया, फरार हो गया। अच्छा, इस संबंध में कहीं आपने रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई थी? जी हाँ, उसमें हमने अलीगंज थाने में जी फिर एटा भी कराई थी। पुलिस ने उनको नहीं ढूंढा? कोई मेरी सुनाई नहीं की। आज ये जानकारी कब मिली है आपको कि आपकी बहन की मौत हो गई है? और ये जानकारी मेरे को है ना कल मिली थी, लेकिन वो कल से मैं यहाँ पे तड़प रही है, किसी ने हमको दिखाया नहीं। पुलिस वालों ने भी बोल दिया है कि यहाँ पे नहीं है, वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए है, हमको दिखाया भी नहीं है। ठीक है, तो क्या जानती मतलब ऐसे सुनवाई में आ रहा है कि वो लड़का ने उसको मार दिया है। वो मेरी बहन है ना, घर पे माँ बाप के लिए तरस रही थी आने के लिए। अच्छा, फोन ऑन इस बीच में फोन ऑन किए थे क्या आप लोगों के लिए? हाँ, मेरे साथ फोन किया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। अच्छा, तो ये कह रही होंगी कि बुला लो। हाँ, तंग करते हैं। अभी तो नहीं करवाया उसने फोन, पहले पलवल में थी जब फोन किया था उसने। मेरा नाम सर सुधीर कुमार। अच्छा, ये बताइए आप यहाँ पीएम हाउस पे आए हैं? हाँ जी। क्या पूरा मामला, कहाँ के रहने वाले हो, कौन सी जनपद है? डिस्ट्रिक्ट एटा के अलीगंज के रहने वाले हैं। तो मेरी बहन को ये लड़का ले गया था सुनील उर्फ राजा। कहाँ का रहने वाला था वो? ये नगला पड़ाव अलीगंज का जी। फिर क्या हुआ? तो सर मैंने कंप्लेंट करी इससे मिलने के लिए, कई बार बोला तू जो भी है समस्या एक बार वो कर ले आमना सामना, चाहे वो तेरे बयान दे कुछ भी। इनने सर जहर दे के या कुछ दे के इनने मार डाला कल। अच्छा, कब आगे कब ले गया था? आज की बात है सर, होली की। फिर यहाँ जो है ना, आपको सूचना कैसे मिली कि यहाँ जो है ना? सर इसने मेरे को नहीं दी है, मेरे को तो दूसरी जगह से कहीं से मिली है सूचना, इन लोगों ने किसी ने नहीं दी है। अच्छा, वो कौन बिरादरी का था? आप कौन बिरादरी हैं? मैं सर पालू और वो तो धीमा रहा है तब से। अच्छा, वो बेला फसला के ले गया था? हाँ जी सर, स्कूल में पढ़ती थी वहीं से स्कूल से गायब हो। कितने क्लास में थी आपकी लड़की? ये सर थी सर 11वीं में थी। 11वीं में थी? क्या उम्र थी आपकी? 17 साल 6 महीने की तब। तो आज आपको सूचना ये मिली कि उसकी मौत हो गई? हाँ जी सर, कल मिली थी मेरे को। अच्छा, ये 4 माह से ये गायब रहे, क्या आपने तलाश नहीं किया? बिल्कुल सर, तलाश की मैंने। घटना की रिपोर्ट ढूंढते सर मैं परेशान हो गए थे, बहुत दूर तक मैं गया सर, ये मिलने के लिए राजी नहीं था। ये जो लोग इसे निकालते थे ये आउट हो जाता था जी। हाँ, इसके जो थे इसके बहनों यानों ये आउट कर देते थे, इसकी पच लेते थे वो, उनने कमरा दिलाया था इसे और उनने जान बूझ के एक इसके बहनों हैं और जन कौन है इसके गाँव के प्रधान है वो इसके सपोर्ट में उनने जहर दे के मरवा डाला। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.